अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह आप सब खैरियत से ही होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो फेस वाइट करने का मास्क बनाना सिखाएंगे। इस मास्क से आपका फेस ब्राइट होगा, आपके फेस पर जो धब्बे होंगे वो आपके लाइट हो जाएंगे और स्किन आपकी बहुत ग्लो करेगी, शाइन करेगी। बहुत अच्छा ये मास्क है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आइए फ्रेंड्स, बताते हैं कि ये मास्क बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होंगी वो क्या क्या हैं। सूखा दूध, आप कोई भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले लें, किसी भी कंपनी का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। मैंने ये लिया एवरीडे का मिल्क पाउडर लेना है आपने। लेमन लेना है, शहद लिया है मैंने, शहद लेना है आपने। शहद भी आप कोई सी भी मक्खी का ले लें, शहद कोई मसला नहीं। और आपने लेना है बादाम का तेल। आइए फ्रेंड्स, ये चीज़ें कितनी मिकदार में यूज़ होंगी और ये कैसे पेस्ट बनेगा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक चम्मच आपने लेना है मिल्क पाउडर, उसके बाद आपने लेना है एक चम्मच शहद का। फिर आपने लेना है एक चम्मच लेमन का अर्क। लेमन जूस आपने लेना है एक चम्मच। और आपने लेना है आधा चम्मच बादाम का तेल। ये बादाम का तेल आपको किसी भी पंसार स्टोर से आराम से मिल जाएगा। ये देखें, आधा चम्मच आपने बादाम का तेल लिया है, बादाम रोगन भी जिसे कहते हैं। अब इन तमाम चीजों को आपने मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये सारी चीजें आपस में मिल जाएं। फ्रेंड्स, इस मास्क का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी हमने इसमें ऐसी वैसी कोई चीज़ यूज़ नहीं की है। ये बआसानी हर चीज़ आपको बाज़ार से मिल जाएगी। कोई बहुत लंबी चौड़ी हमने कोई रेमेडी इसमें नहीं यूज़ की है। आपको जितना बनाना है, आप जितनी मैंने आपको रेमेडी बताई है, ये एक फेस के लिए आराम से ये तैयार हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स किया है। ये देखें फ्रेंड्स, एक पेस्ट सा बन गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, आइए हम अब आपको इसको लगाने का तरीका बताते हैं। फ्रेंड्स, आपने ये मास्क अपने फेस पर अच्छी तरह अप्लाई कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह आपने अपने फेस पर इसे अप्लाई कर लेना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आपने छोड़ देना है। आपने अपने फेस पर बिल्कुल भी कोई झुर्रियाँ नहीं आने देनी है, ना ही आपने इसको लगाने के बाद बातें बात करनी है।
आपने आराम से लेट जाना है या बैठे रहना है इसको लगाकर, और 15 से 20 मिनट बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तब आपने ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लेना है। अभी हम आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट बाद ये ड्राई हो गया है। अब हम आपको इसका रिजल्ट साफ करकर चेक करवाते हैं। आपने 15 से 20 मिनट बाद अपना फेस या तो साफ कर लेना है स्पंज से, या फिर आपने धो लेना है ठंडे पानी से। फ्रेंड्स, आप ये मास्क दिन में एक बार यूज करें, आपको इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपका फेस क्लीन हो जाएगा, आपके फेस पर जो दाग धब्बे हैं वो दूर हो जाएंगे, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना ब्राइट हो गया मेरा हैंड। आपने अपने फेस पर इसे लगाना, ये देखें फ्रेंड्स फर्क देखें आप। फ्रेंड्स, इसको वॉश करने के बाद, आप अपने फेस से इसे वॉश करने के बाद कोई भी हल्की सी लाइट सी जो ऑयली क्रीम होती है, आप 10 से 15 मिनट के लिए वो अपने फेस पर यूज़ करें और उसके बाद वो भी धो लें। इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।